हम लोग का चिकन पिकल ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग देख रहे हो अभी सुबह हो गया है और बहुत कड़ा धूप दे रहा है, बहुत कड़ा धूप दे रहा है। हम तो बाहर भी निकलने दिल नहीं है। और आप लोग को जो यस्टरडे जो वीडियो अपलोड हुआ था, आई होप वो वाला वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है, आपका 3 किलो मीट का चिकन पिकल कैसे बनाया जाता है, उसमें आपको प्रोसेस और मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डिटेल में बताया जाएगा। और आप लोग भी उस चीज़ को घर में बना सकते हो इजीली, जो बाहर से लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको रॉ मीट बाहर से लेना है और उसको कैसे बनाना है मैं वो सारा डिटेल आपको क्लियरली बताऊँगा। और आप लोग चैनल में बने रहिए। अभी जा रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे है, ये देख सकते हो मीट, ये हमारा मीट। कुछ तो चाहिए नहीं, पहले मीट को कटिंग कर लेता हूँ। ये हो गया हम लोग का चिकन तैयार पीसिंग करके, उसको भी ढक देता हूँ। गैस जल गया है एंड इसको बैठा दिया, 15 मिनट जैसा बॉयल होने देते हैं, उसके बाद इसको फिर से पीसिंग करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट तो नहीं है, गार्लिक ड्राई चिल्ली बस इतना होने से हो जाएगा। और सॉल्ट वो तो कॉमन ही है, वो तो डालना ही है, और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। आफ्टर 20 मिनट्स आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया से उबल रही है, क्योंकि इसको छोटा छोटा पीस करने के बाद फिर दोबारा पकाना ही है, तो इतना काफ़ी है अभी के लिए। इसका पानी अभी फेंक देते हैं और मीट को निकाल लेते हैं, उसको छोटा छोटा पीस करते हैं अभी, उसके बाद आपको आगे दिखाऊँगा। ना हम लोग का मीट धो के रेडी हो गया है, अभी इसको छोटा छोटा पीस में चॉप करना है। मीट को टोटली बोन से अलग कर लेना है, पिकल में बोन रहने से ठीक नहीं है, मतलब ओनली मीट लेना है, बोन को अच्छा से अलग कर देना है। ये सब बोन जो है, ये बोन लोग को अलग कर देना है। जैसे कि ये सब अभी ले लिया है, इसको छोटा छोटा चॉप कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का ये मीट रेडी हो गया है, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर लिया हूँ। और ये हम लोग का गार्लिक और ये हम लोग का चिल्ली, बहुत तीखा ये चिल्ली जो, और ये ब्लैक पेपर, इतना ही काफ़ी है चिकन पिकल बनाने के लिए। अभी मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ। ये है हम लोग का कंटेनर, कंटेनर थोड़ा छोटा है, ऐसे तो 3 किलोमीटर लिया था, 3 किलोमीटर सारा आएगा नहीं, दैट्स व्हाई मतलब 1/4 चार भाग में से एक भाग ही लिया हूँ, क्योंकि हम लोग का कंटेनर जो कढ़ाई जो थोड़ा छोटा है इसके लिए, तो 3 बार बनाना पड़ेगा शायद, तो धीरे धीरे करके 3 बार बनाता हूँ। फर्स्ट एक बार ट्राई करके देखता हूँ होता क्या है, अच्छा होना चाहिए रेसिपी जो हमको मालूम है कैसे बनाता है तो, लेकिन मैं पहली बार बना रहा हूँ, ठीक ही होना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट, आप लोग बने रहिए वीडियो में। ये लोग का जो अंदर में जो थोड़ा बचा हुआ है पानी, जो वो पानी को टोटल सूखने के लिए देना है, और आपका फ्लेम एकदम से लो होना है, एकदम धीरे धीरे पकने देना है इसको। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम में रखोगे तो
जल भी सकता है इसके लिए, जल जाने से फिर खाने के लिए मज़ा नहीं होगा। अगर थोड़ा कम हो जाता है तो बाद में देख लूँगा। हम लोग का पेस्ट रेडी है तो अभी ऐड करते हैं हम लोग मीट। मीट में भी पानी बचा हुआ है, जब तक ड्राई नहीं होगा पानी, जब तक निकल नहीं जाता तब तक इसको पकाएंगे। हम लोग का चिकन पिकल फ्रेंड्स बहुत मज़े से पक गया ना, और 5 मिनट जैसा पकाएगा उसके बाद रेडी हो जाएगा। एकदम लो फ्लेम में पक रहा है, आप लोग देख सकते हो। मार्केट से लेके खाने से तो अच्छा है कि फ्रेंड्स खुद बनाना। अभी हमको अराउंड 1.5 आवर्स लगा है बनाने में। हाँ, टाइम लगता है कुछ भी चीज़ में, लेकिन खुद से बनाने में जो मज़ा है वो खरीद के खाने में उतना मज़ा नहीं है। सो आप ट्राई कीजिए खुद से बनाने के लिए। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा समय लग गया होगा, लेकिन नेक्स्ट राउंड में आपको समझ में आ जाएगा और समय भी थोड़ा कम होते जाएगा। तो एटलीस्ट 1 आवर में पक जाना चाहिए, हार्डली 1 आवर, 1 आवर ही लगेगा पकने में। 1 आवर में कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी है। आप ट्राई करके देखिए। अभी तो टाइम है और थोड़ा 5-10 मिनट्स, तब तक देखता हूँ। आप देख सकते हो फ्रेंड्स अभी पूरा बढ़िया से पक चुका है, टोटली सेटिस्फाइड, एकदम ड्राई हो चुका है। इसको मैं अभी डाल दूंगा, ये जो थोड़ा देर पहले मैंने धुलाया था ये, इसमें अच्छा से पैक कर देता हूँ तो ख़राब नहीं होगा, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये आप देख सकते हो, और ये ख़राब होगा नहीं, अभी लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, एयर टाइट हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाया, बहुत स्पाइसी है और बहुत तीखा है, खाने में मज़ा होगा और रोज़ 1-1 चम्मच करके खाएगा। और फ्रिज में और थोड़ा मीट बचा हुआ है, उसको मैं फिर अभी बनाऊंगा। ये इसके लिए पैक किया गया है, जो मेरा दोस्त लोग आएगा उनको एक एक करके मैं दूंगा। ये आप देख सकते हो इतना मज़ा से पैक किया ना फ्रेंड्स, पूरा सील पैक, मतलब हवा, ये पैक करने के बाद मैं सेलोटेप भी ऊपर से मार दिया हूँ क्योंकि हवा जो अंदर नहीं जाने के लिए, एयर टाइट बनाने के लिए कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो। सो फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। और आप घर में ट्राई करके देखिए, और इजी है, सारा स्टेप तो मैं आपको बता चुका हूँ, वही चीज़ फॉलो कीजिए और टेस्ट करके बताइएगा मुझे। थैंक यू।